हेलो दोस्त, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं पोदार यूट्यूबर चैनल। अगर अभी तक आपने पोदार यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे झंडू रूमा स्टील ऑयल के बारे में। ये एक पेन ऑयल है। अब हम बताएंगे ये झंडू रूमा स्टील पेन ऑयल का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। जैसे आपको पाँव में दर्द हो या पाँव के जॉइंट पेन में दर्द हो, हाथ के जॉइंट पेन में दर्द हो, हाथ के उंगलियों में दर्द हो, अगर आपको गठिया हो गया हो, अन्य किसी प्रकार के दर्द हो, नया दर्द हो या पुराना दर्द हो, तो ये झंडू रूमा शील पेन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जब कभी भी झंडू रूमा शील पेन ऑयल का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर का सलाह लें, फिर रूमा शील पेन ऑयल का इस्तेमाल करें। अगर इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो इसकी जो कंपनी है वो है झंडू। ये देख सकते हैं हमने बॉटल लिया हुआ है। अगर इसके दवा के बारे में हम बात करें तो इसका जो दवा है वो है 50 ml और इसकी MRP के बारे में अगर हम बात करें तो वो 90 rupees है। ये देख सकते हैं ये इस टाइप का इसका बॉटल है और ये किसी भी प्रकार का आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के दर्द हो, पुराना दर्द हो या चोट का दर्द हो, तो ये झंडू रूमा शील पेन ऑयल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा दवा है। जब कभी भी आप रूमा शील पेन ऑयल का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर का सलाह लें, फिर इसका इस्तेमाल करें। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अगर रूमा शील पेन ऑयल के इस्तेमाल करने के 5 से 10 मिनट के बाद अगर आपके बॉडी में स्क्रैचेस महसूस हो, खुजलाहट महसूस हो, या आपके बॉडी में रेडनेस आ गया हो या फुंसी निकल गया हो और अत्यधिक खुजलाहट महसूस हो, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हुए। तो ये देख सकते हैं ये इसका QR कोड भी है। बहुत ही अच्छा दवा है और ये झंडू कंपनी है। झंडू कंपनी को तो बच्चा जानता है, झंडू बाम जिसका आता है वही कंपनी है, झंडू है। और इस पेन ऑयल का नाम है रूमा शील लिमिटेड भी है, नाम भी है और कंपनी भी है, लिमिटेड है प्लस नाम है। तो आप जब कभी भी रूमा शील पेन ऑयल का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर का सलाह लें, इस्तेमाल करें। अगर आप हमारे पोदार यूट्यूबर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पोदार यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।